अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे गाजर का रायता। गाजर का रायता बनाना बेहद आसान है और खाने में भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आइए इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये गाजर ले लिए, चार गाजर ली हैं हमने मीडियम साइज़ की, जिन्हें हमने छील के धो लिया है और इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। और ये हमारी दही है, इसमें से हम 200 ग्राम दही लेंगे, है तो ये 400 ग्राम। और ये चाट मसाला है, आधा चम्मच से कम लिया है, आधा चम्मच हमारा नमक है। नमक और मिर्चें हमने ये ली हैं, बहुत थोड़ी सी हैं, दो चुटकी मिर्चें ली हैं, लाल मिर्च। और ये सफ़ेद मिर्चें हैं कुटी हुई, जो काली मिर्च की तरह होती है, वो भी हमने एक चुटकी ली है। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते हैं। आइए, तेल ले लिया है हमने, आधा चम्मच ही तेल लिया है, बड़ा वाला, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए हमें, बहुत कम तेल चाहिए इसमें। और ये देखो, हम आधा चम्मच इसमें जीरा डाल रहे हैं, आधा छोटे चम्मच डाल रहे हैं, थोड़ी सी हींग है, इसे डालेंगे। और इसमें हम कद्दूकस की हुई अपनी गाजर डाल देंगे। आइए, इसमें हम गाजर डाल देंगे, हमने कस लिए गाजर, हलवे के लिए कसते हैं गाजर, के हलवे के लिए ऐसी कसनी है। और इसमें हम नमक डाल देंगे मिठास को ख़त्म करने के लिए, ये नमक है। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ढक के 10 मिनट के लिए। इसी देर में हमारी ये गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी। और इतने हम इसकी फिर दही तैयार कर लेंगे। इसमें हम दही डाल लेते हैं, ये हमारी एकदम फ्रेश दही है, बस हमें 200 ग्राम दही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाले डाल देंगे, ये हमारी लाल मिर्च और जिन्हें हम दखनी मिर्च, सफ़ेद मिर्च बोलते हैं, वो है। आप नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार रख सकती हैं। और ये हमारा चाट मसाला है, ये भी मिला देंगे। इसमें हल्की सी मिर्च पेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये गाजर थोड़ी सी हल्की मीठी होती है। वैसे तो हम नमक डाल देते हैं कि उसकी मिठास खत्म हो जाए। जब ये गाजर हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे उन्हें ठंडा करके। आइए, आपको हम गाजर दिखाते हैं, तो हमने सॉफ्ट कर लिए बिल्कुल। ये देखो, हमें ऐसी करनी है, इन्हें हमने पका लिया और इनमें पानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और इसको हमने गैस को बंद कर दिया था। अब ये ठंडी हो चुकी है बिल्कुल, और इनको अब हम उसमें दही में मिला देंगे। आइए, आपको मिला के दिखाते हैं। इसको जैसा रखना चाहे वैसे रखें, नहीं रखेंगे हम इससे ज़्यादा, नहीं रखेंगे। ये रायता हमारा बन चुका है, हमें इसमें तड़के की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसमें जीरा और हींग डाल दिया था। इसका रंग थोड़ा सा हल्का सा लाल होता है, अगर आप चाहें तो इसको गाजर को उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे इसका जायका बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने इस तरीके से बनाया है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे भी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।